हाई दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। अब रूटीन में वापस आते हैं, 9 बज गए हैं और मुझे नींद के नशे होने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब ट्रिगर हो गई है भाई की सर्केडियन रिदम। अब सर्केडियन रिदम नामक चीज ये डिसाइड करती है कि हमें कब नींद फील होती है और कब हमें जागरूकता फील होती है। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर की एक घड़ी मान लो, और ये जो सिस्टम होता है ना, एक इसका एक मास्टर होता है हमारे दिमाग में जिसको कहते हैं सुप्राकीस्मैटिक न्यूक्लियस, जो कि यही सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी में कि भाई अब तेरे को नींद आनी चाहिए, अब तेरे को जगवा फील होना चाहिए। अब सर्केडियन रिदम ना मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक वेव की तरह होती है जिसके हिसाब से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन रिलीज करता है ताकि हम जगवा फील करें सुबह और बचे हुए दिन में, और रात को मेलाटोनिन रिलीज कर देता है जिससे कि हमें थकावा और नींद फील हो, जिसे हम अल्टीमेटली जाके सो जाएंगे। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सर्केडियन रिदम को एकदम प्रभाव डालती है, उस पे उसको इन्फ्लुएंस करती है, वो है सुबह की सनलाइट। अब ये मैंने आपको मेरे हुबरमैन मॉर्निंग रूटीन वाले वीडियो में भी बताया था कि सुबह दिल्ली में आजकल बहुत बादल होते हैं तो मेरे को 20 मिनट बाहर रहना पड़ता है कि मेरे में इनफ सनलाइट आ जाए, मतलब 10 मिनट में काम नहीं चलता। बल्कि भाई किसी दिन बहुत ज्यादा ओवरकास्ट हो, यानी कि ऊपर बहुत मतलब बादल ही बादल हो और सन दिख ही नहीं रहा है, तब तो भाई आधा घंटे से भी ज्यादा खड़ा होना पड़ सकता है सनलाइट में, वो सही सर्केडियन रिदम ट्रिगर होने के लिए। बट बात यह है कि हमें टेंशन नहीं लेनी है इस बारे में, इस चीज में स्ट्रेस होने लग जाएंगे तो फिर क्या ही बचा लाइफ में। बस इतना सा करना है कि भाई बाहर जाना है सुबह, एक बार सन थोड़ा सा भी दिख गया, थोड़ी सनलाइट दिख गई, ठीक है भाई, मतलब परफेक्शन से नहीं करनी है कोई चीज। बट अगर आपने मेरा हुबरमैन रूटीन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं सनलाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये हमारा जो सर्केडियन रिदम या सर्केडियन क्लॉक है, हमारे जो बॉडी के अंदर की घड़ी है, जो उसमें सेट कर देती है कि अच्छा अगर इतने बजे सनलाइट मिली है तो इतने बजे मेलाटोनिन रिलीज कर दियो भाई। अब मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो कि हमारे अंदर एक चीज होती है पीनियल ग्लैंड, उसमें से निकलता है, जैसे ही सुबह हमने सनलाइट देखी उसके 12 से 14 घंटे बाद वो केमिकल निकल जाता है और उसी से आती है हमें नींद। तो मतलब जितनी जल्दी सुबह आपको सनलाइट मिल जाएगी वहीं पे घड़ी का कांटा घूमना शुरू हो गया, मेलाटोनिन रिलीज होने का टाइम होने वाला है, टाइम बॉम्ब है भाई। तो मतलब अगर मैं सुबह 5 बजे उठाऊं और करीब 5:30 तक मुझे सनलाइट मिल चुकी है तो मतलब शाम को 5:30-8 के बीच में मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी भाई। बट अगर मैं आपकी तरह सुबह 9:30 बजे उठाऊं तो भाई मुझे नींद रात को 11:30 तक आएगी। बट भाई मैं 9 बजे उबासी मारने के बाद जाता हूँ हुबरमैन जी का मत्था टेकता हूँ, क्योंकि उन्हीं की सारी रिसर्च की वजह से मैं सारे रूटीन्स फॉलो कर पा रहा हूँ और अपनी लाइफ और प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना पा रहा हूँ। बट मैं उनका एक चीज नहीं कर पाया उनके रूटीन का, वो है NSDR, जो कि होता है नो स्लीप डीप रेस्ट। अब भाई वो कहते हैं यार दोपहर को तुम ऐसा योगा के पोज में सीधे लेट जाओ और लेकिन सोना नहीं है, बस रेस्ट करना। अरे मेरे से नहीं हुआ भाई वो, और इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं बाकी चीजें कर ही रहा हूं। बट अगर आपको और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखने हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं सारे रूटीन्स के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी सुधरवाओ यार, उनसे भी करवाओ सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।